सब्सक्राइब कीजिए हमारे ऑफिशियल चैनल स्टडी सर्कल मोरैना को, साथ में बेल आइकन का निशान जरूर प्रेस कर दें ताकि मध्य प्रदेश समेत सभी राज्य की सभी लेटेस्ट जॉब्स की अपडेट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को प्राप्त हो सके। तो आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक और नई वैकेंसी का अपडेट लेकर आया हूं जो कि निकाली गई है भारतीय सेना की ओर से। इंडियन नेवी ने अपने SSR और AA के लिए जो रिक्रूटमेंट के फॉर्म है उनके लिए आवेदन मांगना शुरू कर दिया है। तो वे सभी कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने अपना 12वीं पास कर लिया है। तो आप सभी लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है, बहुत ही सुनहरा मौका है। जिन लोगों ने अभी हाल ही में 12th पास किया है उन सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा मौका है अभी से भर्ती होने का। तो बात कर लेंगे इस पूरी वैकेंसी के बारे में कि क्या इंडियन नेवी ने इस वैकेंसी में मांगा है, क्या क्या इसमें बदलाव किए गए हैं, किस प्रकार से आप इसके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और आपको किस प्रकार से इसके जो आवेदन है उनको बाई पोस्ट भेजना है या नहीं भेजना है, इन सभी परेशानियों का जवाब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक ताकि आपको इसी प्रकार की लेटेस्ट जॉब्स की अपडेट प्राप्त हो सके। तो आगे बढ़ने से पहले आज की हमारी क्विज का सही जवाब देके बन जाइए आज के हमारे स्मार्ट व्यक्ति। आज की हमारी क्विज का क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र जो पाया जाता है वो कहां पर पाया गया है। यानी कि अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि ओजोन छिद्र पाया गया है, तो वो छिद्र कौन सी जगह पर पाया गया है। तो आपके जो दिए हुए ऑप्शन है वो है अंटार्कटिक में, अमेरिका में, एशिया में या फिर यूरोप में। आपका जो सही आंसर है आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और बन जाइए आज के हमारे स्मार्ट व्यक्ति। इसके लिए मैं आप सभी लोगों को लेकर चलता हूं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sarkarijobcircle.com पर, जहां पे आपको इसी अभी वैकेंसी के अपडेट्स प्राप्त हो जाएंगे। तो बात करेंगे इंडियन नेवी SSR और AA के जो फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हुए हैं उसमें क्या क्या ऐसी खास बात है जो आपको जानना आवश्यक है, साथ ही आपके जो महत्वपूर्ण लिंक्स और जानकारी है वो भी आपको हम यहाँ से प्राप्त कराएंगे। तो बात कर लेते हैं, एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो इस वैकेंसी को संपन्न करा रही है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन आप सभी लोगों को मालूम है इंडियन नेवी करा रही है। इसमें जो पोस्ट निकाली गई है वो आर्टिफायर अप्रेंटिस यानी कि AA और सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट यानी कि SSR की दो पोस्टों पर भर्ती निकाली गई है। इसके लिए SSR के लिए वे सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने अपना 12वीं पास कर लिया है, फिजिक्स और मैथ उनमें सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। बात करेंगे AA के लिए, तो AA के लिए आपको 12वीं के साथ साथ मिनिमम 60% अंक हारित होना आवश्यक है। इसके साथ ही आपके पास मैथ, फिजिक्स इन दोनों में से और साथ में आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस में से कोई एक सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। तो बात करेंगे फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या है, तो SSR और AA के लिए आपको कम से कम हाइट 157 सेंटीमीटर की होनी चाहिए और AA के लिए आपको 20 स्क्वायर डप्स और 1.6 किलोमीटर की रनिंग 7 मिनट में पूरी करनी अनिवार्य होगी। आगे हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, तो एप्लीकेशन फीस आपके लिए कोई नहीं रखी गई है, लेकिन आपको AA के जब अप्लाई करेंगे तो आपके लिए सामान्य और OBC कैंडिडेट्स के लिए 106 रुपए की फीस रखी गई है, वहीं पे SSR के लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 2 जून से इसके आवेदन होना शुरू हो जाएंगे। इसकी जो लिंक शुरू होगी वो 2 तारीख यानी कि 2 जून 2018 को शुरू हो जाएगी, जो कि 15 जून 2018 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। AA की बात करें तो AA का जो एग्जाम होगा वो लगभग जुलाई 2018 में होगा और SSR का एग्जाम सितंबर से अक्टूबर के बीच में कभी भी हो सकता है। अगर हम बात करें किस प्रकार से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आपके पास सबसे पहले आपके जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जैसे कि 10th 12th की मार्कशीट, जाति, मूल निवासी और आधार कार्ड, एक फोटो, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने होंगे ऑनलाइन आवेदन करने के समय में। और आपको इस वेबसाइट की जो ऑफिशियल लिंक है जो कि हमने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दी है, सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करके पहुँच सकते हैं। उस लिंक पर जाकर आपको ये पूरा आवेदन भरना है और वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके इसको सबमिट कर देना है। इसके लिए जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो नोटिफिकेशन है, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषा में हमने आपके लिए यहाँ प्रोवाइड कराई हुई है। तो आप सिंपली इन दोनों लिंक पर क्लिक करके अपना नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि फ्रेंड्स यदि आपको अभी भी इस वैकेंसी के रिलेटेड कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और अभी फिर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारी वीडियो को एक लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी प्रकार के लेटेस्ट जॉब्स के अपडेट नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को प्राप्त हो सके।